जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को रक्षा के लिए और साहस के लिए याद करने के साथ साथ हनुमान चालीसा में बल, बुद्धि और विद्या बढ़ाने के लिए भी उनका आह्वान किया जाता है। और राम जी के दूत के रूप में तो हनुमान जी जाने जाते ही हैं। ये भी माना जाता है कि वो चिरजीवी हैं, यानी वो आज भी हैं, और उनकी उपस्थिति का विशेष रूप से अपनी अनुभूति और अपने जीवन के अनुभवों में उनको प्रत्यक्ष देखने वाली गुरु माता, जो वैदिक हेरिटेज की संस्थापिका हैं, बड़े उत्साह से और सेवा भाव के साथ साथ श्रद्धा से पिछले 40 वर्षों से हनुमान जयंती मनाती आई हैं। इस बार कोविड के कारण कम लोग सम्मिलित हुए, पर उत्साह में कोई कमी नहीं थी। और अपनी रोग से जूझती हुई भी गुरु माँ ने हमारे साथ बातचीत के लिए समय निकाला। उनके साथ बातचीत और हनुमान जयंती के अवसर पर हुए इस आयोजन की ये झलक पेश है। बर्थडे केक में तुम दीप जलाओ पर बुझा नहीं सकते हो। यहाँ पर हमारे केक में दीप बुझाने की प्रथा नहीं है, क्योंकि जब वो दीपक प्रज्वलित ही है तो उस दीप को बुझाना क्या है। तो ये कुछ मैं बताती हूँ। और जब मुझे आज से 40 वर्ष पहले प्रेरणा हुई कि सब जब हनुमान जी का बर्थडे मना रहे हैं तो मैं नया क्या करूं, तो मैंने कहा कि बर्थडे की केक बनानी है। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा मन गवाही नहीं दे रहा कि वो कोई चले गए हैं और उनका हम जयंती कर रहे हैं। जब वो हैं तो उनके लिए क्या करूं? तो मैंने सोचा कि चलो एक मन में आया उनकी गदा बनाऊं। तो गदा बन गई तो अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा अब क्या करूं? तो उन्होंने द्रोणागिरी उठाया तो एक द्रोणागिरी भी बना दे कि प्रेरणा ले लो उनसे। प्रेरणा ले ठीक है, फिर क्या, अभी और भी कुछ बाकी है। तो इस तरह से फिर मैंने कहा कि उनके चरण पादुकाएं अगर राम ने भरत को दी है तो बाबा भी हमको दे अपनी। हनुमान जी की विशेष अनुकंपा जो संकट पार करने में रहती है उसको ध्यान में रखते हुए, अभी जिस तरह का कालखंड आ गया है और दूसरी लहर कोरोना की भारत में है, तो क्या विशेष प्रार्थना और किस तरह हनुमत तत्व से जुड़कर हम संबल अपने भीतर देख पाएं, उस बारे में कुछ? देखिए, पहली तो बात जैसे मैंने आपसे बताया कि हनुमान जी गए ही नहीं कहीं, वो हमारे
आसपास ही रहते हैं, तो जब वो गए नहीं है तो इसका नाम क्या है इस बीमारी का? करोना, करोना, डोंट डू है। तो ये नाम भी किसने रखा है? रखने वाला वही है, राम रख, नाम रखने वाला वही है। करो ना, क्या नहीं करो, ऐसे कर्म मत करो जो कि तुम्हारे को मेरे हंटर पड़ने की ज़रूरत पड़े। तो उनसे बचना है तो ये मत करो। मैं औरतों का ज़्यादा अधिक बड़ी बात नहीं करूँगी। अभी तक मैं कोरोना के अंदर मेरे को तीन ब्रेन कितने ब्रेन स्ट्रोक, टू ब्रेन स्ट्रोक हो गए, जो मैं अभी भी ठीक से बोल नहीं पाती हूँ। पर मैं कोरोना के बीच में उन मरीजों के बीच में ही रही दोनों टाइम, और उन्होंने पहले तो रिफ्यूज़ किया, पर क्योंकि डॉक्टर काफ़ी यहाँ इस मंदिर के भगत हैं, उन्होंने कहा ये तो दीदी है, गुरु माँ हमारी, तो इनको तो लेना ही होगा और इनको रखना ही होगा। तो जो सेकंड टाइम उन्होंने क्या किया कि मुझे एडमिट तो कर लिया, पर जहाँ वो मुर्दे लोगों को रखते हैं ना, उसके बाहर मेरी वो गाड़ी ले जाके रख दी। और जब 1 बजे रात की, तो मेरा जैसे नियम है, मेरी नींद टूट गई या बेहोशी छूट गई, मैं उठ करके बैठ गई और मैं पाठ करने की चेष्टा करूं, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं रात को 1 बजे उठ जाती हूं और ये 121 में पाठ करती हूं। मैं 108 नहीं, मैं 121 करती हूं। तो पाठ करने की चेष्टा करूं, अब आवाज़ ही नहीं निकले, वो ऐसे करूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली कि बाबा, मैं मन ही मन में बोली कि बाबा तुम मेरे मालिक हो, मैं भी तुम्हारी सेवक हूँ, तुम करो कितना करोगे। मैं जाओ आज से न अन्न खाऊँ, नो तो अन्न तो छोड़ा हुआ है पिछले 42 साल से, न मुँह में कोई दाना रखूँ और न पानी की बूंद पीऊँ जब तक मेरे 121 नहीं हो जाएंगे। वो दो पाठ करने को मुझे 20 मिनट, ये 2 घंटा लगे थे, और ये कहने के बाद 2 घंटे में मैंने 121 कर लिया। और जब डॉक्टर आए, उन्होंने जब सुबह देखा तो उन्होंने कहा कि एकदम हर्ष से मेरे पाँव में झुक गए, बोले कि कमाल कर दिया, 6-6 महीना तक ब्रेन स्ट्रोक, और आपका तो इतना भयंकर ब्रेन स्ट्रोक था, हमने तो सोचा था कि आप बचेंगी नहीं, और आप तो पाठ कर रही हैं। मैं रो ही रही हूँ। मैंने कहा कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही। वो बोले कि ये तो जो आपने चमत्कार किया है, यू आर ए मिरेकल लेडी। मैंने कहा मिरेकल कराने वाला भी हुई है। और गुरु माई, हमारा सौभाग्य है कि हम आपके पास में हैं, और ये जो बाबा के साथ में सीधा सीधा आपका एक संपर्क सेतु उनकी कृपा से, आपकी भक्ति से है, उसका आधार लेते हुए हमारे दर्शकों के और बाकी श्रद्धालुओं के लाभ की दृष्टि से, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरव क्लेश विकार, तो अभी सब के भीतर ऐसी भक्ति का जागरण हनुमान चालीसा के माध्यम से हो पाए, उस दृष्टि से आप बताएं कि जैसे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ, या आप तो प्रतिदिन 121 बार करते हैं, तो उससे क्या शक्ति अपने भीतर बनती है, और कोई अन्य बात जो आप अपनी अनुभूति से हम तक पहुंचाने की कृपा करें। देखिए, यहाँ मंजू जी बैठी हैं मेरे साथ, इनको पूछिए कि इन्होंने कभी मुझे विचलित होते देखा है क्या, ये शक्ति कहाँ से मिली है मुझे। मैंने, मेरे सामने तो आते नहीं है, मैंने तो उनको देखा नहीं, पर मेरे मुख से निकलने वाली
दुख की जरा सी कोई वाणी हो वो उसको उसे हाथों में उठा लेते हैं। तो ये इस चमत्कार विश्वास का है, ये मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये विश्वास का है कि मेरी आस्था अड़िग है, वो कभी न टूटे और मैं यूँ ही मरूँगी, मैं उनका नाम लेते हुए उनके चरणों में ही जाऊँगी, मेरे कोई गति ऐसी नहीं होगी जहाँ तक मेरा विश्वास है कि मैं सड़ के मर रही हूँ या ऐसे मैं हंसते हंसते जाऊँगी, समझे ना। और ये सब इसे हनुमान चालीसा ही रूप में उन्होंने मेरे को एक संबल दिया है, और ये हमारा एक संबल है और कुछ नहीं है, ये सब मेरा विश्वास। मैं हर शब्द में मालिक को देखती हूँ, मैं हर शब्द में उनको ही ढूँढती हूँ। तो जब मेरा विश्वास इतना है कि मेरा क्या बिगड़ना है, कोई कहता है कि माँ आप मालिक से कहिए ना, आप तो इतने करीब हैं, मैंने कहा मैं कुछ भी करीब नहीं हूँ, तुम सब उतने ही करीब हो, मेरे में ये है कि अटूट विश्वास है और तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। बस जब डगमगा गए, जो गया जो हार गया वो मर गया, और जो विश्वास में टिका रहा वो जीत गया। Jai 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 Hanuman Gosai, Kripa Karo Guru 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 Jai Jai